ओके, सो वेलकम टू एक न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना पाई टोकन को सेल कर सकते हो। जिनको भी KYC रिलेटेड इशू आ रही है या फिर ऑप्शन नहीं आ रही है या फिर आपका KYC यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो रहा है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इवन पाई कितना रेट में सेल करना है, किसके पास जाकर सेल करना है, सेल करने के प्रोसेस क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। बस वीडियो को अंत तक देखो। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे आप प्रूफ दे सकते हो। लोग यहाँ पर लाखों रुपीस कमा रहे हैं पाई को बस माइनिंग करके। यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट है, बस डेली आपको अपना माइनिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं पाई एप्लीकेशन के बारे में। बेसिकली एक माइनिंग एप्लीकेशन है जहाँ पर कोई भी यूज़र, ठीक है, कोई भी यूज़र यहाँ पर माइनिंग करके यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन कलर का एक माइनिंग बटन है। यहाँ पर डेली आपको हर 24 घंटे के अंदर माइनिंग बटन को ऑन कर देनी है। हर 24 घंटे में आपकी अर्निंग होते रहेगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर पाई यहाँ पर एज लिखा है, तो मतलब कि हर घंटे में यहाँ पर 2.45 करके यहाँ पर अर्निंग होते रहेंगे। तो आपका यहाँ पर जितना भी शो करे उस हिसाब से हर घंटे में आपकी अर्निंग होता रहेगी, ठीक है। बेसिक सा चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब देखो, एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ। जो लोग पाई इस प्रोजेक्ट को सीरियसली लिए थे, मतलब कि बहुत दिन पहले मैंने इसको शेयर किया था, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल पहले से, तो उस टाइम से लेकर अगर अभी तक आपने यहाँ पर पाई को माइनिंग किया हो, विदाउट एनी रेफर को मैं छोड़ ही रही हूँ, बस सिंपली माइनिंग किया हो, तो 3-4 हज़ार पाई टोकन सबके पास ज़रूर होंगे। और अभी पाई का एक एक पाई टोकन्स की वैल्यू मैं मान के चलती हूँ 30 रुपीज़ अगर हो, तो समझ लो अगर आपके पास 1,000 पाई टोकन भी होगा ना, 30,000 कमा लोगे। 2,000 हो 60,000, 3,000 होगा 90,000, तो लाख रुपीज़ कमाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट को सीरियसली लेते हो एंड कंटिन्यू करते रहते हो, ठीक है। सो अभी मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बताऊँगी, बस ध्यान से वीडियो को देखना। ये बस एक बेसिक सा मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया स्टार्टिंग में। अब चलते हैं कि आपको पाई टोकन को कैसे और किस तरीके से सेल करनी है। सबसे पहले एक चीज़ मान लो कि अगर आपको यहाँ पर पाई टोकन को सेल करना है या फिर किसी को सेंड भी करना है ना, तो आपको यहाँ पर KYC करनी पड़ेगी। तो आपको एक चीज़, जैसे आप पाई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पर आपको रियल नेम ID देने की ऑप्शन आती है, तो आप ज़रूर से यहाँ पर रियल नेम से ही यहाँ पर रजिस्टर कीजिए ताकि आपको KYC वेरीफाई करने में कोई इशू वगैरह ना हो। अब आते हैं दूसरा स्टेप। जैसे आप यहाँ पर पाई पे यहाँ पर रजिस्टर करोगे तो आपको और एक चीज़ का ध्यान रखनी पड़ेगी, जो कि आपको फेसबुक ID से लॉगिन नहीं करनी है, साइनअप नहीं करना है। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देकर साइनअप करना है, क्योंकि देखो फेसबुक एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, कभी भी आपका अकाउंट बैन हो सकते हैं। मेरे पास ऐसे 3-4 अभी तक मैसेज आ चुका है कि मैम मेरा पाई में यहाँ पर 4-5 हज़ार टोकन थे बट मेरा फेसबुक ID यहाँ पर मतलब कि ब्लॉक हो चुका है, दैट्स व्हाई मैं लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ। सो इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपको साइनअप ही करनी है तो आप अपना जो मोबाइल नंबर है उससे आप साइनअप कर लीजिए, ठीक है। KYC के बिना आप यहाँ पर टोकन को सेल नहीं कर सकते हो, तो KYC मास्ट आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी देखो, KYC करने के लिए 18 साल की उम्र होना चाहिए। अगर आप माइनर हो, मतलब कि आपकी एज 18 साल से कम है, तो आप एक काम कर सकते हो, घर में किसी का भी जिसका उम्र 18 साल से ऊपर हो उसका डिटेल्स, मतलब कि नेम पाई एप्लीकेशन में एंटर करके उसका डिटेल्स से क्या वेरीफाई कर सकते हो। आधार कार्ड से सिंपल आपकी वेरीफिकेशन हो जाएंगे। तो वेरीफिकेशन करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 लाइन मेनू मिल जाते हैं। एप्लीकेशन को जैसे ओपन करोगे तो 3 लाइन मेनू, चलो मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो पर बहुत सारे ऑप्शन है, होम मेनू, पाई ब्राउज़र वगैरह वगैरह, यहाँ पर व्हाइट पेपर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप मेन एड पे क्लिक करोगे तो मेन एड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर सब कुछ दिख जाएंगे कि अनवेरीफाइड बैलेंस कितना है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मेन नेट, मतलब कि कितना बैलेंस आपकी ट्रांसफर है मेन नेट पे। उसके बाद माइग्रेट टू मेन नेट, कितना माइग्रेट बैलेंस है मेन नेट के लिए, ठीक है, वो भी दिख जाएंगे। अभी देखो KYC करने के लिए यहाँ पर मेन नेट चेकलिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हो कि आपके पास KYC करने के लिए ऑप्शन आए, तो आपको ये जो चेकलिस्ट दिया गया है इसको ज़रूर से यहाँ पर पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखो, फर्स्ट जो है आपको यहाँ पर डाउनलोड पाई ब्राउज़र एप्लीकेशन को, मतलब कि पाई ब्राउज़र एप्लीकेशन को डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो स्टेप नंबर, इस एरो पे क्लिक करोगे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे प्ले स्टोर पे, उधर से आपको पाई ब्राउज़र एप्लीकेशन को इंस्टॉल करनी की है, जो कि ये देख सकते हो साइट में ही है मेरा, इसको इंस्टॉल करनी है। जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे तो चलो मैं ओपन करके दिखा देती हूँ पाई ब्राउज़र कैसे दिखता है। जैसे आप ओपन करोगे गाइस, तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, उनमें से आपको एक ऑप्शन मिलेगा वॉलेट पाई। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ। देखो, बहुत सारे लोग मेरे पास आके मैसेज कर रहे हैं कि मैम मेरा जो फ्रेश किया है वो मैंने खो दिया हो। तो एक चीज़ सुन लो, अगर आपकी यहाँ पर KYC कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक और आपने फ्रेश की खो दिया हो, तो कोई बात नहीं यार, आप फिर से यहाँ पर न्यू वॉलेट क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है, और वॉलेट कनेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं अभी बता रही हूँ वैसे कर लेना, आपकी कोई इश्यू नहीं होगी, ठीक है। बट अगर आपकी KYC भी कंप्लीट हो चुके, स्टिल आपने फ्रेश की खो दिया हो, तब जाकर आपको इशू होएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर आपकी
प्राइवेट के मतलब कि फ्रेस की खो चुका है बट आपने अभी तक केवाईसी नहीं की हो तो आपकी एक प्लस पॉइंट है, तो अभी भी आप इसको मतलब कि कर सकते हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं होगा। तो जैसे आप यहाँ पर आओगे वॉलेट पाई का ऑप्शन मिलेगा, वॉलेट पाई का ऑप्शन मिलने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर क्रिएट वॉलेट पर जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको कुछ वर्ड आपको इधर से मिलेगा, कितना वर्ड मिलता है 12 या फिर 14 ऐसा कुछ आपको वर्ड मिलेगा। उसको आपको अच्छे जगह पे एक नोटबुक पे नहीं तो एक अच्छा जगह पे आपको सेव करके रखना होगा क्योंकि लाइफ टाइम में आपको काम आने वाला है। इसकी मदद से ही आप अपना जो वॉलेट है इसको सेफ रख पाओगे, ठीक है, इसको एक्सेस कर पाओगे, समझ रहे हो ना। वो एक पासवर्ड जैसा काम करेगा तो उसको सही से रख लेना, उसको जैसे सेव करोगे, सेव करने के बाद आपके यहाँ पर वॉलेट क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। वॉलेट क्रिएट आपने कर लिया पाई वॉलेट, उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म वॉलेट आपको करनी पड़ेगी। जैसे इस एरो पे क्लिक करोगे कन्फर्म वॉलेट वाला, उसके बाद आपने जो अभी अभी फ्रेस की को मतलब कि जितना भी वर्ड था ना उसको कॉपी किया तो उसको जगह पेस्ट कर दोगे। जैसे आप यहाँ पर पेस्ट कर दोगे तो आपकी वॉलेट यहाँ पर साइन का ऑप्शन मिलेगा, आप साइन कर दोगे आपका वॉलेट एड्रेस इधर से देख जाएंगे, ठीक है। मतलब कि अभी आपने तीन टास्क कर लिए, नंबर 1 एप्लीकेशन डाउनलोड, नंबर 2 वॉलेट क्रिएशन, नंबर 3 आपका यहाँ पर वॉलेट कन्फर्म, ठीक है। अभी बात आती है मेन चीज़, कमिट टू लॉक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि आप भी कमिट करने वाले हो कि आपका जो टोकन हो कितना दिन के लिए लॉक रहेगा। तो इस पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, ऊपर में दिखाता है कि आपकी कितना परसेंट लॉक करोगे और नीचे में दिखाते हैं लॉकअप ड्यूरेशन। अगर आप 25% यहाँ पर लॉक करना चाहते हो 2-1 के लिए तो आपकी यहाँ पर जो बूस्ट रेट है इतना परसेंट मिलेगा, अगर इसको इंक्रीज़ करोगे तो इसको ज़्यादा होएगा। मतलब कि अगर जितना ड्यूरेशन आप इंक्रीज़ करोगे उतना आपकी जो बूस्ट रेट है वो इंक्रीज़ होएगी, ठीक है। और यहाँ पर लॉकअप इसको भी इंक्रीज़ करोगे तो ये भी इंक्रीज़ होते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो करना है आपके लिए जो बेस्ट है वही मैं आपको सजेस्ट करूँगी। यहाँ पर आपको 25% ऊपर में सिलेक्ट करना है और नीचे भी आपको 2-1 के लिए बस सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करोगे यहाँ पर आपको सेव वगैरह का ऑप्शन मिलेगा, नीचे कन्फर्म करने का ऑप्शन मिलेगा तो कन्फर्म कर देना, यही बेस्ट होगा। कुछ कुछ लोगों ने यहाँ पर 100% सिलेक्ट करके 3 साल के लिए कर दिया, वहाँ पर उनके मतलब यह है कि उनका 3 साल के लिए टोकन यहाँ पर लॉक रहेगा, 3 साल के बाद उनका यहाँ पर अनलॉक होएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, जिस तरह से बता रही हूँ वैसे वैसे करोगे तो आप बहुत सेफ रहोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसको कैसे करना है तो देखो, जैसे आप फर्स्ट 3 या फिर 4 स्टेप को सही से कर लोगे उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको मैं बता देती हूँ 7 से 10 दिन तक आपको वेट करनी पड़ेगी। आपके पास पाई की तरफ से यहाँ पर केवाईसी करने का नोटिफिकेशन आएगा, जिस दिन आ जाते हो उस दिन आप केवाईसी कर सकते हो, बट जब तक नहीं आता आपको थोड़ा सा वेट करनी पड़ेगी। तो मोस्ट ऑफ केसेस में आ जाती है और अभी सभी यूज़र को केवाईसी करने की ऑप्शन मिल रही है धीरे धीरे, तो वेट कर लेना, आपको भी ज़रूर मिल जाएंगे। मुझे यहाँ पर 2 दिन के अंदर यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन मिल गई थी, तो अभी जब आपको केवाईसी का ऑप्शन मिल जाएंगे तब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जैसे आपको केवाईसी कंप्लीट करने के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, आप सिंपली यहाँ पर पाई ब्राउजर एप्लीकेशन आना, यहाँ पर देखो केवाईसी पाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको इस टाइप का ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पर सबसे पहले आपको कंट्री यहाँ पर आईडी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे हमारे लिए यहाँ पर आधार कार्ड ही है, आप चाहे तो ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 2 पे आपको टिक करके लेट्स गो पे क्लिक कर देनी है। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने फिर इंडिया सेलेक्ट किया, यहाँ पर मुझे आधार कार्ड सेलेक्ट करना था, यहाँ पर 2 पे मैंने टिक मार करके यहाँ पर लेट्स गो पे यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर अपना फोटो वगैरह अपलोड करनी पड़ेगी, जैसे कि आप जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके पास है लाइक यहाँ पर आईडी कार्ड ऐसे आप आधार कार्ड को दे सकते हो, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए बाद ये लोग बोल रहा है कि आपको कैसे फोटो अपलोड करनी है, आपको लैंडस्केप मोड पे करनी है, ठीक है। जैसे आप ग्रीन कलर में ये जो दिख रही है मैच ऐसे आपको सेंड करनी है, आपको अच्छे लाइट के साथ अच्छे क्लैरिटी के साथ फोटो अपलोड करनी है, तो आपको यहाँ पर आई एम रेडी पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको ऐड फ्रंट फोटो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना यहाँ पर आईडी कार्ड आधार कार्ड को यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सबमिट करनी है। जैसे आप सबमिट कर लेते हो नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको नीचे ही बैक फोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, सेम एज बैक फोटो भी अपलोड कर देना। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स में जो भी नेम है, जैसे फर्स्ट नेम जो भी है आपका वो डाल देना, यहाँ पर लास्ट नेम जो है उसमें सेम डाल देना, जेंडर जो है डेट ऑफ बर्थ सेम एज डाल देना, डॉक्यूमेंट्स आईडी मतलब कि आधार कार्ड का जो 12 डिजिट है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एक्सपायरी डेट आधार कार्ड का नहीं होते तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाते हैं माई आईडी कार्ड डज नॉट हैव एक्सपायरी डेट, इस पर क्लिक कर देना और बाकी जो भी एड्रेस वगैरह आपकी आईडी कार्ड के अनुसार वो यहाँ पर डाल के नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपका आइडेंटिटी कंफर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अच्छा लाइट में आपको यहाँ पर अपना फेस का मतलब कि एक वीडियो रिकॉर्ड होगा छोटा सा, वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कैमरा की तरफ मतलब कि फोकस करनी पड़ेगी। उसके बाद वो लोग स्माइल करने के लिए बोलते हैं तो स्माइल वगैरह कर देना, यहाँ पर डिटेल्स दे दिया है कि फेस और लाइट अच्छी होनी चाहिए बस, ठीक है, इन दोनों का ध्यान रखना।
उसके बाद यहाँ पर आपको रेडी पे क्लिक करना है और वो लोग जैसे बोलेंगे स्माइल करने के लिए वो वहाँ पर लिखा रहेगा, आप वैसे वैसे सेम स्टेप कर लेना, बहुत ईजी है, ताकि उन लोगों को रियल लगना चाहिए और क्लैरिटी होना चाहिए आपकी फेस वगैरह में, आई मीन आपकी कैमरा में, ठीक है, कुछ ब्लर ब्लर ना हो। और अगर आप ग्लासेस यूज़ करते हो तो उसको मतलब कि ग्लास आप ना पहन के ही यहाँ पर वीडियो शूट करना, इससे ईजी होती है वेरीफाई होने में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे ये सारी चीज़ आप कर लेते हो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में बोलेगा कि आपने जो भी नेम वगैरह एड्रेस वगैरह डाले हो वो सही है कि नहीं, वो रिव्यू कीजिए, तो आप रिव्यू कर लेना। रिव्यू करने के बाद आपको वहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, तो सबमिट कर देना। तो जैसे ही सबमिट कर लेते हो लोग बोल देंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जो एप्लीकेशन है सबमिटेड हो चुके हैं। अभी देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि आप सी स्टेटस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये लोग बोलेगा पेंडिंग स्टेटस में है, मतलब कि अभी रिव्यू चल रही है। और एक कितने देर में हो जाते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि आप ऊपर में टाइमर देख लो 11:43 में मिनट में मैंने इसको सबमिट किया और मैंने केवाईसी हो गई थी 11:51 मिनट में, मतलब कि 43 से 51 मतलब कि 8 मिनट के आसपास मैंने केवाईसी कंप्लीटेड हो चुकी थी। मतलब अगर सही से डिटेल्स हो गए, सही से वीडियो वगैरह आप सबमिट करोगे तो इंस्टेंटली आई मीन मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी केवाईसी यहाँ पर 101% कंप्लीट होना ही होना है। आपको बस क्लियर कट फोटो और वीडियो यहाँ पर सबमिट करनी है, समझ गए, कोई भी मतलब कि नेम भी सब कुछ मैच होनी चाहिए, तो इजीली हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस ध्यान रखना जो भी डिटेल्स दे रहे हो वो रियल हो और सब कुछ मतलब क्लैरिटी के साथ हो, तो आपकी यहाँ पर कभी भी आपकी पेंडिंग में नहीं जाते। कुछ लोग बोलते हैं मेरा वन मंथ से यहाँ पर पेंडिंग में है, मेरा केवाईसी वेरीफाई नहीं हो रहा है। मैं बताती हूँ उन लोगों ने कुछ ना कुछ मिस्टेक की होगी जिससे ये नहीं लगे और रियल पर्सन हो, या फिर उनका नेम मिसमैच हो रहा है, या फिर फोटो ब्लर ब्लर था इस वजह से हो रही थी। तो आपको मैं बता देती हूँ अगर आप चाहते हो कि केवाईसी इंस्टेंटली हो तो क्लैरिटी के साथ आप फोटो अपलोड करना, ओके। तो क्या उसे जैसे हो जाता है नीचे क्वेश्चन मिलता है बिकेम वैलिडेटर, मतलब कि आप दूसरे की केवाईसी करने में हेल्प कर सकते हो, उसके लिए आपको एक पार्ट वगैरह करके रिवॉर्ड भी मिलती है। इसका स्टेप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, नहीं तो ये वाला वीडियो और भी ज्यादा लंबी हो जाएंगे, मैं ज्यादा लंबी नहीं खींचना चाहती हूँ, जो मेन मेन चीज़ें मैं आपको वही बताना चाहती हूँ। जैसे ही केवाईसी हो जाती है फिर से जाओ आप आए एप्लीकेशन में, तो सबमिशन आने के लिए फिर से थ्री लाइन मेनू पे क्लिक कीजिए, मेन एड पे क्लिक कीजिए, मेन एड पे क्लिक नहीं करते मेन एड चेकलिस्ट पे कीजिए। उसके बाद फर्स्ट 4 टास्क तो आपकी हो जाएंगे, 5वीं आपका टिक मार्क आ जाएंगे अगर आपकी यहाँ पर केवाईसी वेरीफाई हो जाती है। 5-6 पे टिक आने के बाद यहाँ पर माइग्रेट वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करने की एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, आप लोग यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो भी टोकन है वो मेन नेट से माइग्रेट पे चले जाएंगे और उधर से आप मूव करके यहाँ पर अपना टोकन को अवेलेबल में ला सकते हो। कैसे, मैं आपको लाइव करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको चेकआउट करने के लिए पाई ब्राउजर एप्लीकेशन में आ जाइए, यहाँ पर वॉलेट पाई पे क्लिक कीजिए, अपने जो 12 वर्ड यहाँ पर कॉपी किए थे उसको यहाँ पर पेस्ट कीजिए, अनलॉक विथ पास फ्रेज पे क्लिक कर दीजिए। फिर तो जैसे आप फेस यहाँ पर डाल दोगे फिर यहाँ पर आप एंटर कर दोगे अपना वॉलेट पे, ठीक है। इधर से देखो यहाँ पर रिसीव का ऑप्शन मिलेगा, रिसीव पे क्लिक करने के बाद आप इस एड्रेस को अगर किसी को भी दोगे तो उससे आप यहाँ पर टोकन रिसीव कर सकते हो, पाई टोकन। यहाँ पर सेंड करना है तो सेंड पे क्लिक करके यहाँ पर एड्रेस डालो, अमाउंट डालो, फिर सेंड पे क्लिक कर दो, आपका यहाँ पर पाई टोकन सेल्ड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर और एक ऑप्शन मिल जाते हैं पाई मिनट, और यहाँ पर टेस्ट नेट भी है, कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो टेस्ट नेट वाला टोकन है ना ये बस टेस्टिंग के लिए, मतलब कि आप ये टेस्ट कर सकते हो किसी के पास टोकन जा रहे की या फिर किसी से आ रही है कि नहीं आपके एड्रेस में, ये टेस्ट कर सकते हो, इसका कोई वैल्यू नहीं है, बस टेस्टिंग के लिए होते हैं। जो मेन चीज़ें मेन नीड वाला, और आपको जो माइनिंग करके टोकन आना होगा वो मेन नीड पे ही आएंगे, ठीक है। ये जो अभी अभी आपने माइग्रेट किया हो ना, इसका मैं आपको बता देती हूँ, देखो आपने केवाईसी जो कर लिया उनमें से जो ट्रांसफरेबल बैलेंस होगा वो आपके मेन नीड पे आएंगे, मतलब कि मेन नीड पे यहाँ पर आपको हिस्ट्री में आपको दिख जाएंगे। उसके बाद इसको ये जो यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस दिख रहे हो ना ये अलग से है, ये जो अवेलेबल बैलेंस में जितना भी बैलेंस होगा उसको ही आप किसी को सेंड कर सकते हो, या फिर आपका पूरा सेल करना है किसी को तो आप सेंड करके सेल कर सकते हो। ये जो यहाँ पर आपका मतलब टोटल में दिख रहा है ना ये एक्चुअल में नहीं है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो टोटल में दिख रहे हैं मेन नेट पे है, मेन नेट पे आने के बाद आपको उसको माइग्रेट करनी पड़ेगी, मतलब माइग्रेट करके मूव करनी होगी, तब जाकर वो अवेलेबल में आएंगे। वो कैसे करना है देखो मैं आपको बता दूं, जैसे एग्जांपल यहाँ पर आपकी ट्रांसफरेबल बैलेंस मेन नेट के लिए यहाँ पर जो भी है वो आएंगे 14 दिन के अंदर आपकी यहाँ पर मेन नेट पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आ जाते हैं आपको इसको माइग्रेट करनी पड़ेगी, माइग्रेट पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद गाइस देखो यहाँ पर मूव का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर देखो लॉक टाइप का दिख रहा है ना तो इस पर क्लिक करके आपको दिख जाएंगे कितने टाइम में अनलॉक होगी। मैंने 50% मतलब कि लॉक करके रखी थी इसलिए मेरा जो भी अनलॉक होगा उनमें से 50% लॉक्ड हो जाएंगे और 50% हो जाएंगे अनलॉक, उनमें से देख सकते हो 50% अनलॉक है और ये लॉक्ड है, समझ रहे हो ना। तो जैसे जैसे आप वहाँ पर ड्यूरेशन वगैरह सेलेक्ट किए थे उस हिसाब से आपके यहाँ पर होएगा। तो आपको यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस में लाने के लिए मूव पे क्लिक करना पड़ेगा, जैसे देख रहे हो 3, 4, 5 से मैंने तो इसको मूव पे जैसे क्लिक करूँगी, कन्फर्म पे मैंने क्लिक कर दूँगी तो एक देख सकते हो गाइस यहाँ पर मेरा सक्सेसफुल हो चुका है, तो मेरा डायरेक्टली वो जो अमाउंट है यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हो अवेलेबल बैलेंस मेरा इंक्रीज हो चुका है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर अपना बैलेंस को यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस पे ला सकते हो। सो अभी आप समझ गए कौन सा पाई टोकन आपका सेल होगा, कैसे सेल होगा, कैसे अवेलेबल बैलेंस पे आएगा, ये सब बता दिया। अभी आते हैं मेन जो आपको सेल कैसे करना है। देखो जिनको भी सेल करना है आपको मैं हेल्प करूँगी सेल करने में, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर आना होगा, यहाँ पर देखो इस
मतलब कि नेम पे क्लिक करना होगा, उसके बाद मोर पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट मी का ऑप्शन मिलेगा, ये मेरा रियल आईडी है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको आप यहाँ पर पाई टोकन सेल करना चाहते हो गाइस, तो मैं यहाँ पर जो भी उस दिन का करंट रेट है उस हिसाब से आप लोगों को पे आउट कर दूंगी, ठीक है, मतलब कि पेमेंट कर दूंगी इंस्टेंटली यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कोई स्कैम वैम होने के चांसेस नहीं है। ऐसे बहुत सारे मैंने जगह देखा हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेट बताते हैं, बट वो लोग अपने साथ स्कैम कर देते हैं, तो उनसे बच के रहना गाइस। ओनली ट्रस्टेड लोगों के साथ ही डील करना, मैं ही नहीं बोलूँ मेरे साथ ही डील करो या फिर मुझे ही बेचो, आपको जो भी पसंद है जो भी आपके लिए ट्रस्टेड है उनको आप सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आप लोगों को यहाँ पर मैक्स टू मैक्स वैल्यू देने की, ठीक है, मतलब जितना भी मार्केट में हाई प्राइस है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है किसको सेल करोगे ना करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने बहुत सारे यूजर को यहाँ पर ऑलरेडी पेमेंट कर चुकी हूँ, तो अगर आपको अच्छे लगे तो आप मेरे पास जाकर यहाँ पर सेल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बहुत सारे पोस्ट वगैरह यहाँ पर किया हूँ, आपको जो भी चेक करना है चेकआउट कर सकते हो। हर दिन का यहाँ पर प्राइस बदलता रहता है, तो आप एक बार जान लेना कितना प्राइस चल रहा है उस हिसाब से सेल आउट कर देना। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होते हैं कि हम पाई टोकन को सेल करें या फिर होल्ड करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, सेल करना होल्ड करना टोटली आपके ऊपर डिपेंडेड है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू मैं बता रही हूँ कि मुझे जितना लग रही है जिस जैसे मार्केट में पाई टोकन रिलीज होते जाएंगे ना, ठीक है, वैसे वैसे इसका प्राइस है डम चलेगा। फिलहाल अभी हाइप चल रही है आप कह सकते हो, तो इस वजह से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। इवन एक दिन तो 0.5 पे भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप इसको सेल आउट कर सकते हो, तो उन दिन में भी काफ़ी लोगों ने किया, अभी भी कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो उस टाइम कम अनलॉक हुए थे, इस टाइम बहुत ज़्यादा अनलॉक हुए, तो इसके लिए रेट भी थोड़ा बहुत नीचे हुई है, बट फिर भी स्टिल काफ़ी अच्छा प्राइस में आप लोगों को अभी मिल रही है, अब सेल आउट कर सकते हो। अभी देखो मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करूँगी, अगर आपको होल्ड करनी है मतलब कि, तो आप 50-50% कर लो, ताकि ये भी ना लगे कि आप मतलब कि लॉस पे हो, क्योंकि इन फ्यूचर में अगर ऐसा हो जाता है कि इसका सप्लाई बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा, तो इन फ्यूचर में इसका प्राइस अगर बहुत ही लो गिर जाती है, ठीक है, तो आपको ये भी ना लगे कि यार मैंने तो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, ठीक है। और अगर फ्यूचर में बाई चांस प्राइस इसका अगर बढ़ जाते हैं फिर भी आपके पास 50% टोकन रहेगा, उसको सेल आउट कर सकते हो, तो ऐसे 50-50 वाइज लेके चल सकती हो, बट मैं मोस्ट ऑफ अपना टोकन को यहाँ पर सेल आउट कर रही हूँ, ठीक है। बाकी आपकी जो मर्जी आप उस हिसाब से कर लेना, और कोई भी डाउट वगैरह क्वेश्चन हो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है इस पर जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना, ठीक है। ओके थैंक यू, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ये बता दूंगी कि पाई में कैसे वैलिडेटर बनकर आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।